मेरे पैर में जरा सी मोच क्या आई, मैं अपने जूते क्या खरीदने गया नए, तुमने कप्तान बदल दिया। हालांकि जितने जितना टाइम उसे मोच ठीक करने में और जूते खरीदने में लगा उतना एक रणजी सीजन कंप्लीट हो जाता उतने। हम थोड़ी देर के लिए इंजर्ड क्या हुए, तुमने कप्तान बदल दिया। मैं आपको बता दूं क्या हुआ था। देखिए, आपने बाली की कहानी सुनी, बाली और सुग्रीव सुनिए, भाई थे भाई। अब बाली सुनिए तो सही। अब बाली में क्या था कि उसको वरदान था शंभु का। बाली में क्या था, बाली जी में वरदान था कि जिससे भी लड़ोगे उसकी आधी शक्ति तुम्हारे में आएगी। बाली रावण को तो कितने महीने तक, 6 महीने तक अपने कंधे के नीचे दबा के रखा हुआ, इतने ताकतवर थे ब्रह्मांड में। क्या 1-to-1 फाइट करो, तो बाली से अगर लड़ो आप तो आधी शक्ति बाली की आप में, मतलब आपकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी, उसके बाद लड़ लो आप उससे, है ना। तो एक बड़ा मायावी राक्षस था, वो आया, उसने इनको ललकारा, बाली और सुग्रीव इनके बड़े छोटे भाई के थे, बड़े अच्छे, तो उन्होंने ललकारा, है ना। अब ये मायावी राक्षस के पीछे बाली लगे हुए जा रहे हैं, तो वो एक बड़ी भयानक गुफा में घुस जाता है राक्षस, तो वो राक्षस के पीछे चले जाते हैं बाली अंदर, और सुग्रीव को बोलते हैं कि तू यही खड़ा रहियो, मैं इसका वध करके आता हूँ, तू यही खड़ा रहियो। वो महीनों बीत जाते हैं, वो नहीं आते, अंदर से खून आने लगता है और ये वो मायावी की हंसने की आवाजें। तो सुग्रीव उस पर बड़ा सा पत्थर रख के, और उनको लगता है कि यार शायद मेरा भाई अब नहीं रहा, वो वापस आ जाते हैं। अब राजपाट तो किसी को संभालना है, वो संभाल लेते हैं। थोड़े दिन के बाद बाली वापस तो राजपाट उनको मिल गया, उनकी ताजपोशी हो गई, वो राज्य संभाल रहे हैं, दावतें एंजॉय है ना। अब वो बाली वापस बोले हेलो, मैं गया उसको मारने, मैंने अंदर गेट बंद कर दिया, तुमने यहाँ पे मेरा गेम बजा दिया, कम ऑन गेट आउट। अब वो सुग्रीव को हटा दे, अब सुग्रीव जंगल में बेचारा फिर रहा मारा। अब यहाँ पे जब हार्दिक पांड्या वापस आएगा, बोलेगा चलो तुम बन गए कप्तान, अब 1 साल से मैं कप्तान था, MI का कप्तान भी मैं थोड़ा सा अपना पैर मायावी को ठीक क्या करने गया, तुम कप्तान बन के बैठ गए, अब बताओ क्या। अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये बड़ा अभी समझ नहीं रहे दो, क्योंकि हमारे साथ कॉमेडी हो रही है, ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, और थोड़े टाइम के बाद और गंभीर और ज्यादा उलझता ही जाएगा। तो बस ये है कि हार्दिक ठीक होके आए, अगर ठीक ना होके आए वैसे तो किसके लिए विश नहीं करना चाहिए, फिर ठीक है बेटा उसकी परफॉर्मेंस आएगी आएगी। पिछले मैं कितने साल से देख रहा हूँ, जब से वो इंजर होके बाहर हुआ, जब वापस आया उसने अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया उसने, वो फाइटर है और उसको पता है, ऐसे लोग पता क्या होता है, उनके लिए हारना ऑप्शन नहीं होती, जो लाइफ में बड़ा स्ट्रगल करके और फाइट करके ऊपर आते हैं ना, उनके लिए एक ही ऑप्शन होती है टू विन, बिकॉज उनको पता है जीतोगे तो कुछ मिलेगा वरना कुछ नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस दोगे तो मिलेगा। ऐसे थोड़ी वो एटीट्यूड दिखाता है यार, वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में उसने मारे रन, रोहित के कोई रन नहीं है, फिर आप देख लो एशिया कप में रन मारे, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में भी अच्छा कर रहा था बॉल के साथ, पाकिस्तान के अगेंस्ट रिजवान को बॉल नहीं मारा उसने, एशिया कप में बाबर को बॉल नहीं मारा उसने, रन नहीं बनाए, 266 वाली गेम में ईशान किशन हार्दिक पांड्या, उसी के वर्ल्ड कप में विराट कोहली हार्दिक पांड्या पाकिस्तान गेम, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल विराट कोहली हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या तो एक्सीलेंट। तो बॉल के साथ भी बैट के साथ भी उसको पता है वो क्या चीज है, और ऐसे ही तो नहीं मुंबई ने वापस बुलाया। अब जब मायावी को मारने के बाद वापस आएंगे हार्दिक पांड्या जी, तब होगा क्या, मैं तो ये और अभी के लिए अब चलो बाकी बातें छोड़ो, आप मुझे बताओ अफगानिस्तान सीरीज में क्या होगा। इतना आसान है राजपाट छोड़ना, अगर अफगानिस्तान सीरीज में रोहित मार दे बड़े रन और विराट के रन ना आए, एग्जांपल दे रहा हूं एग्जांपल, फिर क्या होगा। नहीं फिर क्या, देखो रोहित की सिलेक्शन तो बाद में आईपीएल के बेसिस पे ही होगी, अभी तो सबको पता है कि भाई विराट के रन आ गए बहुत ज्यादा और रोहित के रन ना आए, फिर क्या होगा। देखो विराट तो एनी केस में जा ही रहे हैं, वो T20 वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से खेलेंगे, अगर रोहित नहीं हुए, क्योंकि जिस तरीके का ये पैकेज चल रहा है, ये कपल पैकेज जो चल रहा है, हो सकता है उसमें विराट पीछे रोहित के साथ साथ लबेट जाए, जैसे बोलते ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो उसी तरीके का विराट कोहली के साथ भी हो जाए कि भाई कपल पैकेज चल रहा है, रोहित के रन नहीं आए, हम सीनियर्स को बैठा रहे हैं, यंग प्लेयर्स को भेज रहे हैं, तो अगर वैसा कुछ हो जाता है तो हो सकता है कि विराट ना जाए, बट मेरिट के बेसिस पे, रन्स के बेसिस पे, और आईपीएल में भी फोड़ देते हैं। अरे अफगानिस्तान सीरीज छोड़ो, ना आए ना आए, ये देखिए आईपीएल में अगर हो जाता है तो क्या कह रहे, अफगानिस्तान विन इन सीरीज इंशाल्लाह, अब ये दिन भी चांद पर सीरीज करवा ले, यही बचा है भाई। सारे सुपर चैट पढ़ लेते हैं, और जो लोग लिख रहे हैं आयशा आई लव यू, आपको ये बता दें आयशा जी कोबरा में इंटरेस्टेड है,
तो आप गलत जगह पे अपने पेचे ला लड़ाए। कोबरा को देखें आज, ये अभी अभी ऑटो का स्पार्क प्लग बदल के आ रहे हैं और बैठे हैं यहाँ पे, और मैंने भी जिस बच्चे की कैप ली थी वो बेचारा बाहर रो रहा है। शुभम तोमर बोल रहे हैं विराट शुड प्ले एज ओपनर, हिज T20 स्टैट्स एज ओपनर, इनिंग्स 9, रन 400, एवरेज 57.14, स्ट्राइक रेट 162, 100 आईपीएल इनिंग्स 98, 3611 रन, एवरेज 43, स्ट्राइक रेट 136, 107 मारे हुए हैं। नहीं, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ जी, 3 साल हो गए तोमर साहब बोलते हुए कि विराट से ओपनिंग करा लो, लेकिन कोई मजाल है? इन्होंने जीतना थोड़ी ना है, इन्होंने अगर जीतना होगा तो खिला लेंगे वो ओपनिंग। सही बात है, तमाशे करने होंगे तो मत खिलाओ भाई, 3 नंबर पे खिला लो। आज तक खिलाया कहाँ है इतना, 9 इनिंग्स यार इंडिया के लिए कब खेले? मेरे ख्याल से आगे आ जाएगी सुपर चैट। रोहित विराट ने एक साथ इंडिया के लिए T20 में ओपन किया था, याद है अगर आपको, कोविड के दौरान जो इंग्लैंड के साथ सीरीज हुई थी, जो आपके बिना क्राउड के सीरीज हुई थी, वहां पर दोनों ने ओपन किया था और बढ़िया बढ़िया उन्होंने ओपनिंग की थी, तो करवा लो। लघु कह रहे हैं सुशांत भाई आइडेंटिफाई द कोर्ट, देखिए कराची में तो गुंडा हूँ, वहां तो छक्के भी मारता हूँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुझसे उम्मीद मत रखना। बात तो सही है, ये तो एक ही हो सकते हैं। देखो देखिए, ऐसे नहीं है ना, ये डेफिनेटली मैं कराची ते छक्के मारदा सी, बट हुन ऑस्ट्रेलिया च आके मेरी किंगी बन गई है, ते मैं चलिया परदेश, मैनू भूल जाना तुसी। पुष्पा आई हेट टीयर्स, बस ये करके वो निकल गए बाबर आजम। तो बाबर आजम